जोधपुर अधिकारियों की सेवा अभिवृद्धि को लेकर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन। खबर राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के नाम एडिशनल प्राचार्य डॉक्टर योगीराज जोशी को यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों की सेवा अभिवृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया। मेडिकल कॉलेज के अधीन अस्पतालों में लगभग 700 के करीब यूटीबी पर नर्सिंग अधिकारी कार्यरत है, जिनका एक्सटेंशन दिसंबर माह में समाप्त हो रहा है। करीबन 1000 नर्सिंग अधिकारी पद रिक्त। मथुरादास अस्पताल के आधे डिपार्टमेंट यूटीबी नर्सिंग अधिकारी बिना संचालित होने की स्थिति में नहीं है। अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के अधीन अस्पतालों में अभी भी करीबन 1000 स्टाफ की कमी है तथा अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। मथुरादास माथुर जैसे अस्पताल में बिना इन कार्मिकों के आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट बंद करने तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि करीबन 400 यूटीबी नर्सिंग अधिकारी वहां सेवा दे रहे हैं तथा राजस्थान में वापस कोविड महामारी के केस आ रहे हैं, अतः इन कर्मचारियों की अत्यावश्यकता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। आज मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के नाम यूटीबी पर जो लगे हुए नर्सिंग अधिकारी है उनकी सेवा अभिवृद्धि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है, उसी की एक्सटेंशन को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। मेडिकल कॉलेज के अधीन ज़्यादातर अस्पतालों का कार्यभार यूटीबी पर लगे हुए 700 नर्सिंग अधिकारी देख रहे हैं। हालात ये है कि मथुरदास माथुर अस्पताल में 400 से ज़्यादा संविदा कर्मचारी है, यूटीबी कर्मचारी है। अगर इनकी सेवा अभिवृद्धि रुक जाती है तो मथुरदास माथुर के आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ कोविड की महामारी भी पैर पसार रही है, उसको देखते हुए इनकी ज़रूरत है। और साथ ही साथ जोधपुर मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर 1000 पद आज भी रिक्त है, तो हम चाहते हैं कि सरकार इनका जल्दी से जल्दी एक्सटेंशन जारी करे। इसी की मांग को लेकर आज डिप्टी प्राचार्य योगीराज जी जोशी को हमने ज्ञापन दिया है और इनसे सेवा अभिवृद्धि की मांग की है। जगदीश जाट, अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर।